एक तरफ प्रदेश सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन योगी सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि अधिकारी और कर्मचारी जनता को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बदायूं चिकित्सालय में नेत्र विभाग से सामने आया है। हम वो हकीकत मरीजों से सुनवाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मरीजों को सरकार द्वारा निशुल्क दवा एवं निशुल्क चश्मा और ऑपरेशन सभी निशुल्क है, लेकिन नेत्र चिकित्सालय विभाग में सभी उल्टा है। मरीजों की आंखें टेस्ट कराने के बाद चश्मा बनाने के 300 से 500 रुपए लिए जाते हैं। अगर किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो लेंस के नाम पर 1,500 से लेकर 4,000 रुपए मरीज से लिए जाते हैं। ऑपरेशन के टाइम दवाई बाहर से अस्पताल के गेट के सामने मेडिकल स्टोर से मंगवाई जाती है। होनी होती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। इस बारे में विशेष तौर से CMS साहब जो हैं डॉक्टर विजय बहादुर राम वो जानकारी ज़्यादा दे। आज ऑपरेशन करा के आए हो, कितने पैसे लिए गए, किन डॉक्टर साहब का नाम बता जानते हो? अस्पताल में ही 1,500 रुपये बाहर से मंगाई गई, मेडिकल स्टोर से? मेडिकल से लगवाई गई। कितने रुपए की आई? 440 रुपए। ऑपरेशन की दवा ना, दवाई वाई स्टोर से लिखा है ना। अच्छा, और लेंस वगैरह के? लेंस ही लेते हैं। लेंस ही ले हैं। कितने रुपए लेते हैं? 17 के लेना, जैसे ताकत लग जाए। तो कितने अंदाज? नेत्र चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी मनमानी तरीके से भोली भाली जनता को दोनों तरफ से लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।